हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान और आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल साइंस में स्वागत है। टेक से जुड़ी नई नई जानकारी के ऊपर वीडियो को देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर वैसे ही इंडिया में बवाल हुआ है। ऐसे में व्हाट्सएप ने अभी एक बात कही है, उसमें यह कहा है कि आपकी जो प्राइवेट चैट है वो कोई प्रभावित नहीं होगी। ये बात व्हाट्सएप ने एक प्रेस रिलीज के जरिए कही है। तो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अभी कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, इतने में व्हाट्सएप ने आज एक प्रेस रिलीज के जरिए एक बात कह दी है। उस प्रेस रिलीज में उसने कहा है कि आप व्हाट्सएप के अपडेट होने के बाद इसमें आप शॉपिंग और आपका जो बिजनेस है वो करना बहुत ही आसान हो जाएगा। व्हाट्सएप ने कहा कि अभी आजकल लोग व्हाट्सएप पर चैट के साथ साथ कुछ बिजनेस भी करते हैं, वो उनका अच्छे से नहीं चल पाता, तो इसके ज़रिए अगर वो इस प्राइवेसी को मानते हैं तो इसके ज़रिए उनका बिजनेस करना या शॉपिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमने इस प्राइवेसी में पॉलिसी को बिजनेस के एक सुरक्षित होस्टिंग सर्विस के तौर पर अपडेट किया है। व्हाट्सएप कहता है कि इस प्राइवेसी के बाद छोटे कारोबारियों को अपना काम करना आसान हो जाएगा, इससे वो अपना बिजनेस या अपनी शॉपिंग आसान से कर पाएंगे। तो व्हाट्सएप तो ये कह रहा है, बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप इस प्राइवेसी को मानते हैं या नहीं मानते हैं। चलो मैं इस बारे में आपको एक चीज़ और बताता हूँ। साथ व्हाट्सएप ने ये भी कहा है कि अगर उसकी कोई ये प्राइवेसी 8 फरवरी तक नहीं मानता है तो वो अपने अकाउंट को बंद कर सकता है, उसके पास कोई दूसरा रास्ता यहाँ पर नहीं मिलेगा उसको। तो फ्रेंड्स, अगर माने तो ये तो सिर्फ हमारी प्राइवेसी पर ही, जो हमारी प्राइवेट प्राइवेसी है उस पर एक तरीके का सीधा हमला है। तो फ्रेंड्स, अभी आगे देखते हैं कि व्हाट्सएप क्या करता है। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और फ्रेंड्स, मैं ऐसी वीडियो और भी बनाते रहूँगा, प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट कीजिए और मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगा।